चैलेंज हो कैसा भी, जो बोले आई कैन उसी को कहते हैं इंडिया में भैया कॉमन मैन। Yeah.
नौकरी नौकरी हम बार बार करते हैं, कॉलेज के साथ पार्ट टाइम करते हैं और रिटायरमेंट के बाद कंसल्टेंसी करते हैं, पर किसी ना किसी की नौकरी अवश्य करते हैं। धन्यवाद। और हम इतना ही क्यों ना कमा लें, हम कभी इतना नहीं कमा सकते कि हमें किसी की नौकरी करने की आवश्यकता न पड़े। हम कमाते हैं और बचाते हैं, हमारे कमाने और बचाने का रेट इन्फ्लेशन के रेट के नीचे ही दबा रह जाता है और सैब वर्किंग क्लास ही रह जाते हैं। पर बाबा, ये नौकरी और सेविंग्स के विशेष सर्कल के उस पार क्या है? बच्चा, जब मनुष्य कमाने और बचाने के चक्कर से आजाद हो जाता है तो उसे प्राप्त होता है मोक्ष, यानी कि अर्ली रिटायरमेंट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। पर बाबा, आपको 3-3 क्यों कहते हैं? बाबा 3-3 बच्चा, अपने पैसों का ख्याल 3 तरीकों से ही रखा जाता है। पहला सेविंग। जी बाबा, सेविंग यानी कि बचत, जैसे कि हमारा आम बैंक का खाता या कॉर्पोरेट, इसमें रिटर्न रो और सिक्योरिटी है और इसमें पैसा निकालना होता है बड़ा ही आसान। दूसरा इन्वेस्टमेंट। जी बाबा, इन्वेस्टमेंट जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ऑप्शन और SIP, इनमें जानकारों की देखरेख और जिम्मेदारी के साथ किया गया निवेश आपको दिलाता है वेरी हाई रिटर्न्स। उत्तम। और तीसरा है इंश्योरेंस। नहीं है, ये कैसे सिखा सकता है फाइनेंशियल प्लानिंग? अच्छा, भले ही इनकी सैलरी तो
पर लगाओ और वेल्थ बनाओ। पर बाबा जितना मैं कमाता हूँ उतना ये 10 साल में भी नहीं बचा सकता। इसने मुझसे 10 गुना वेल्थ कैसे बनाई? बच्चा इसने भले ही थोड़ी थोड़ी मगर सेविंग्स करनी बहुत पहले से शुरू कर दी अपने कॉलेज से। जी हाँ, माना मेरी सैलरी कम थी और मेरी सेविंग्स छोटी, पर मेरी सेविंग्स कंसिस्टेंट यानी लगातार। Revana, over to you.